अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम मोमल है और अपने मोमल अली राजपूत चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे व्यूअर्स, आज जो है वीडियो जो है ख़ास है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है किचन बेस पर वीडियो बना रही थी मैं, तो आज जो है गाँव के मुतालिक थोड़ा बनाऊंगी वीडियो, क्योंकि आज बना रही हूँ व्लॉग। तो करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट, और जो कि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो व्यूअर्स, अभी चलते हैं दरिया के पास, और दरिया पर जो है मछली का जो शिकार किया जा रहा है वो आपसे शेयर करेंगे, और जाल वगैरह भी हैं और मेरे कज़न वगैरह भी गए खड़े हैं। अभी चलते हैं दरिया की जानिब। फाइनली जो है व्यूअर्स, हम लोग दरिया पर पहुँच चुके हैं, और दरिया का हाल जो है वो देखें बेहाल लग रहा है मुझे तो। बिल्कुल ही खुश्क है, पानी कहीं पर भी नहीं है। जगह जगह थोड़ी थोड़ी जगह पर तो पानी ठहरा हुआ है, वहाँ पर जो है कहते हैं मछली बहुत ज़्यादा होगी और पकड़ी जाएगी आसानी से। मेरे कज़न और अम्मी जो है वो भी आए हुए हैं जाल भी उठाकर, तो अभी मछली पकड़ते हैं और अंदर जो है चलते हैं दरिया के। तो चप्पल उतार दिए हमने, रेत है और फिसलन है, यहाँ पर फिसलन है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। मैंने चप्पल जो है उतार दी है, अभी चलते हैं अम्मी की तरफ। जी हाँ, तो व्यूअर्स अभी दरिया पर हम आ गए, और जाल जो है कज़नों ने वो बिछा लिया है, तो मछली पकड़ते हैं, देखते हैं कि कितनी मछली हाथ आती है इनके। तो मुझे तो छोटी छोटी सी नज़र आ रही है पानी में उतरती हुई, बिल्कुल छोटी छोटी सी मछली है। तो एक तो देखें उन्होंने पकड़ ली है, छोटी छोटी मछली है बिल्कुल ही। और इस तरफ जो है ये रोटी वाटर लगा हुआ है, तो यहाँ से जो पानी सप्लाई किया जा रहा है ज़मीनों को, तो पानी तो वैसे है नहीं, थोड़ा सा ही है मुझे तो लगता है, इस तरफ थोड़ा सा पानी मौजूद है। ये तो बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं, है ना ना, बहुत छोटी हैं बहुत। हाँ ये देखिए डबल जाल है, ये डबल जाल है, मोटे मोटे सारे खड़े। एक मिनट ये वाले मुझे दिखा, बता सबसे बड़ी मछली जो है ये 5 किलो की है, बाकी जो है 3-3, 4-4 किलो की है, बिल्कुल भी ये छोटी छोटी हाथ रखे इनके खाने के लायक नहीं है, इनको जो है पानी में छोड़ ही देते हैं। जी हाँ, तो मछली जो है बहुत ज्यादा है, तो हाथों से भी जो है पकड़ी जा रही है। तो मैंने तो ये देखें 5 जो है मछली मैंने भी पकड़ ली है, अभी जिंदा है ये, हाथ से जो है फिसल रही है। और तो मछली जो है बड़ी मिली नहीं है, बहुत कोशिश की है कज़नों ने, जाल भी बिछाया है, तो ये छोटी छोटी मेरे हाथ तो लगी है, और मेरी कज़न ने भी शापर भरा हुआ है इस तरफ। तो अभी चलते हैं दूसरी जानब, वहाँ पर कह रहे हैं कि पानी ठहरा हुआ है, वहाँ पर बड़ी मछली जो है मिल सकती है, तो कोशिश जो है करेंगे, देखते हैं कि आगे मिलती है या नहीं मिलती मछली। रो सारी बिटी उड़ जाने वे, तू देर दे है तले तो पारा पकी जाती है, मछली पकड़न दे चक्कर है ना। आपा ओ जा बड़ी भाई, कई साल से करते हैं। जी हाँ नाजरीन, तो अभी जो है आ गए हैं हम अपनी कज़नों के पास और फैमिली के पास, यहाँ पर जो है उन्होंने दज्जाल बिछा तो लिया, लेकिन देखते हैं कि कितनी मछलियाँ जो है हाथ आती हैं। कुछ तो लड़ दी मैंने, ये बहुत ही छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो कि खाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दूसरी जगह पर हमने जाल बिछाया मेरे कज़नों ने, तो वहाँ पर भी बिल्कुल छोटी छोटी मछलियाँ हाथ लगी हैं, माशाल्लाह देख रहे हैं आप पानी में बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं इस वक्त, लेकिन है बहुत ही छोटी छोटी। तो ये तो सेव करके रखने के लिए है, एक किस्म की बंदा रख ले और फिर बाद में जो है बड़ी हो जाए फिर पकड़ के खाए। सारी वे सटो जिंदा इन शोदिया हाली गुलफाम बिठाए वे ओके ना बिठाओ, छोटा गुलफाम ए है गुलफाम, ये गुलफाम वाद है मछली का नाम है गुलफाम। अच्छा, इसे बड़ा पता है क्योंकि ये तैरा का भी है, पानी में तैर भी जाता है छोटा सा ये। अम्मी चौकी मछली पकड़ के देवे, बस वो छोटी छोटी अन कहानी मछलियां कहानी दे, ए चाहती क्या देवे, कैमरा चाहिए बढ़िया मोबाइल। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने जाल जो है अभी निकाला है।
ये तो उससे भी ज्यादा छोटी छोटी मछली है। तो नाज़रीन ये जो मछली जो है आज हमारे लगता है नसीब में नहीं है, बिल्कुल ही छोटी छोटी जो है हाथ लगी है। तो ये तीसरी जगह पर जाल इन्होंने फेंका था तो मछली नहीं मिली, छोड़ दो बल्कि इन बहुत छोटी छोटी हैं, तो काफी छोटी छोटी हैं। और अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, धूप भी निकल आई है। ये देखें बिल्कुल छोटी छोटी, खाने लायक नहीं है ये बिल्कुल ही। ये है कौन सी देखना, व्हाइट वाली है इसका जिस्म देख, बिल्कुल मछली कह रहे हैं। क्या है गाय मछली? ये क्या है, नस्ल है एक मछली की? ये इसका मुंह देखना, ये खाता कोई नहीं। अच्छा ये देखें बिल्कुल ही अजीब सी इसका उसकी स्किन है, मछली जैसी बिल्कुल भी नहीं लगी मुझे। पानी के बगैर आधा घंटा जिंदा रह सकती है। ओहो ये आधा घंटा जो है पानी के बगैर जो है जिंदा रह सकती है। तो मछली की नस्ल का नाम है गाय मछली। हमारे देहातों में जाना इनको ऐसा नाम रखा गया। हाँ अलग अलग से। माइक तो इस तरफ कर दें आप ऐसे। अच्छा गाय मछली, वैसे पकड़ने का बड़ा ही मोड था लेकिन पता नहीं बस है ही नहीं। हाँ। छोटी छोटी और बहुत ज्यादा है, अगर हम इनको 15 दिन या 20 दिन बाद आकर अगर हम इनको जाल यहीं पे लगाएंगे तो मछली निकल आएगी। हाँ एक एक पाव की हो सकती है ये। मैं तो कहती हूँ इनको स्टोर करके लग लेते हैं जैसे एक किस्म का। है जब तक हाँ। ये यहाँ पर दरिया नहीं आता ये जो है खड़ी रहेंगी यहाँ पर पानी। हाँ जी तो ये बड़ी बड़ी हो जाएंगी, बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं। तो सारे जो है अपने अपनी जगह पर, ये देखें कोई क्या कर रहा है कोई क्या। घर चलते हैं और क्या। हाँ अभी चलते हैं घर। ये तो व्यूअर्स अभी हम मौजूद हैं दरिया के किनारे, एक छोटा सा घर है तो यहाँ पर हमने पैर धोए हैं, पानी पिया है और तंदूर जो है वो बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। माशाल्लाह कितने सारे बने पड़े हैं। तो कोई मछली वगैरह तो हाथ लगी नहीं, बिल्कुल ही छोटी छोटी थी तो हमने जो है पकड़ी तो है वापस छोड़ दिया हमने पानी में। तो घर वाले जो है सारे आगे, फैमिली हमारी चली गई है, अभी मैं भी जाती हूँ घर। तो आज तक की वीडियो जो है यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरे आवाज़ सही कहनी लाला, मेरी ना बड़ा मेरी कैमरे चो सही नहीं आती। वो तंदूर है ना मुँह वाला, मेरी चार पांच रोटियां दी, वो त्रै रोटियां दी। और मुँह वाला बड़ा ही कोई मैं।